हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार आपका दोस्त। आज गुणा करने की ट्रिक एकदम आसान तरीके से लेके आया हूँ। 11 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे, आधे सेकंड में उसका गुणा कर लेंगे। आइए फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं हम 11। 11 में हमको 12 से गुणा करना है, तो इधर 12 लिखा है, इधर वाली सी संख्या लिखना है आपको, थोड़ा बीच में जगह छोड़कर। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 2 1 3, यही आपका आंसर। 11 में हमको 25 से गुणा करना है, तो इसी को लिखना है हमको। 25 लिख दें, बीच में थोड़ा जगह छोड़ दें, 5 2 7, यही आप 7, यही आपका आंसर। और देखते हैं 11 में हमको 21 से गुणा करना है, तो इसी को हम ये वाली जो संख्या जितना जिससे गुणा करना है उसी वाली संख्या को लिखना है, बीच में थोड़ा जगह छोड़ के। हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, यही आपका आंसर। कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए, एक ट्रिक सिर्फ 11 में काम करेगी। टिंग 11 में इधर 11 लिखो, इधर चाहे जो संख्या लिख दीजिए, जैसे 35 लिख दिए, तो इसी 35 को लिखना है, इसको थोड़ा दूर में 5 को, और ये जो 5 3 8 बीच में लिख दीजिए। 11 में करना है हमको 45 से गुणा, तो देखिए 45 लिखा है, 45 को लिख लेना बीच में जगह छोड़कर। अब 5 4 को जोड़ देंगे, 9 9 को बीच में लिख देंगे, यही आपका आंसर। आधे सेकंड में आंसर पा रहे हैं। आइए फिर और देखते हैं, आइए देखते हैं 11 में हमको 85 गुणा करना है, बस इसी 85 को लिखना है और बीच में जगह छोड़कर। 5 8 13 13 को हम लिखेंगे 3, जो हासिल आएगी 8 में जोड़ देंगे, 8 है 1 हासिल जोड़ देगी, तो ये 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर है ना। ट्रिक मजेदार दोस्तों, कमेंट करके बताना ट्रिक आपको कैसे लगी। अब देखिए, जैसे हमको 11 में 75 का गुणा करना है, तो इसी को लिखना है आपको, ये 11 कुछ नहीं करना है, बस इसी को लिखना है, थोड़ा दूरी दूरी बीच में जगह छोड़कर। अब इसको दोनों जोड़ देना है, 12 7 5 12 होगा 12। देखिए 12 का में ऐसे होता है 12, तो ये 2 लिख लिए, 1 हासिल बचा है, तो 1 हासिल को इसमें जोड़ना है, इसमें 7 है, 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। 11 में हमको करना है 55 से गुणा, तो 55 को लिखना है बीच में जगह छोड़कर। अब इसी दोनों को जोड़ देना है, 5 5 10 10, ऐसे लिखा जाता है, 0 लिख के हासिल 1 छोड़ देंगे, तो 0 लिख लें, जो हासिल बचा 5 में जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए, आधे सेकंड में ही आंसर आप पा जाएंगे। और बताते हैं गुणा करना है आपको 21 से, इसी 21 को लिखना है आपको, ये जो 11 इसको कुछ नहीं करना है, 21 में ही सब है, 21 से हम गुणा कर रहे हैं ना, 21 को लिख लीजिए बीच में जगह छोड़कर। अब 21 लिखा तो 21 नहीं, अब इस दोनों को जोड़ देना, कितना 2 और 1 3, 3 जोड़ दिए, ये आपका आंसर। 11 में हमको 22 से गुणा करना है, तो 22 को लिख लीजिए बीच में जगह छोड़कर। अब 2 2, इसी दोनों संख्या को जोड़ देना, 2 2 4। 11 में हमको 24 से गुणा करना है, तो इसी 24 को लिखना है आपको बीच में जगह छोड़कर। 11 में कुछ नहीं करना है, इसको लिखना जितने में से गुणा करना है उसी संख्या को लिख के बीच में जगह छोड़कर दोनों संख्या को जोड़ देंगे, वो आपको आंसर मिल जाएगा, 4 और 2 6। आइए और देखते हैं, आइए दोस्तों फिर देखते हैं, हमको 11 में 36 से गुणा करना है, तो बस कुछ नहीं करना, इसी 36 को लिखना है बीच में जगह छोड़कर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9, यही आपका आंसर। 11 में हमको 17 से गुणा करना है, तो 17 को ही लिखना है बीच में जगह छोड़कर। अब 7 8, इन एक जो लिखा है इसको जोड़ देंगे, 7 7 1 8, यही आपका आंसर। 11 में और हमको करना है जैसे 71 का गुणा, तो बस इसी संख्या 71 को लिखना है आपको बीच में जगह छोड़कर। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, 8
और 11 में हमको करना है 73 का गुणा, तो बस कुछ नहीं करना, इसी 73 को लिख दीजिए बीच में जगह छोड़कर, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 का 0 जो हासिल आया आगे वाले में जोड़ देंगे, 7 में जोड़ देंगे एक हासिल, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और देखिए जैसे 11 में हमको करना है 13 का गुणा, तो बस कुछ नहीं करना, इसी 13 को लिखना है आपको, जितना गुणा करना उसी संख्या को हम लिखेंगे, एक बीच में जगह छोड़कर। अभी इस 3 और 1 को जोड़ देना है 4, ये आपको 13 का वर्ग हो गया, 13 का गुणा मतलब। और आइए देखते हैं भाई, देखते हैं दोस्तों, 11 में हमको 83 से गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना, इसी 83 को हमको लिखना है बीच में जगह छोड़कर। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 13, 13 के हमको 3 लिखना है, एक हासिल आया, एक हासिल को इसमें जोड़ देंगे, 8 है, एक हासिल जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर। और 11 में हमको करना है 86 से गुणा, बस कुछ नहीं करना है, बस इसी 86 को लिखना है आपको बीच में जगह छोड़कर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 4, हासिल कितना है 1, और 1 जो हासिल आएगा इसी 8, ये 8 वाले में जोड़ देंगे, तो 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह ट्रिक लेकर रोज मैं आऊंगा।